इंदौर में मार्च में होने वाले आईफा अवार्ड समारोह में फिल्मी सितारों को झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गा और दाल पानिया परोसने की पेशकश की गई है। यह कवायद मुर्गे को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए की जा रही है। इस बारे में कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वरिष्ठ वैज्ञानिक और कड़कनाथ अनुसंधान एवं उत्पादन परियोजना के निदेशक डॉक्टर आईएस तोमर ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री ने एक ब्लॉग के माध्यम से आईफा अवार्ड समारोह को प्रदेश के आदिवासियों को समर्पित किया है। इस संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आईएस तोमर ने मुख्यमंत्री को लिखकर सुझाव दिया है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ के प्रसिद्ध कड़कनाथ मुर्गे में फैट कम मात्रा में और प्रोटीन व आयरन भरपूर होता है। अपनी अन्य खूबियों के कारण ये पूरे प्रदेश में अलग पहचान बना चुका है। दाल पानिया भी इस क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यंजन है। यह दोनों व्यंजन फिल्मी सितारों को परोसे जाएं ताकि इन व्यंजनों को वैश्विक पहचान मिल सके। इसका सीधा फायदा यहां के आदिवासियों को होगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से प्रदेश के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को भी इस बारे में लिखा गया है। डॉक्टर तोमर ने बताया कि हमने शासन को प्रस्ताव भेजा है, यदि इसे मान लिया जाता है तो हम आईफा अवार्ड समारोह में कड़कनाथ की आपूर्ति कर सकते हैं। झाबुआ और अलीराजपुर में आदिवासियों के करीब 12 स्वयं सहायता समूह कड़कनाथ मुर्गे का उत्पादन और संरक्षण कर रहे हैं। इन समूहों से करीब 250 सदस्य जुड़े हैं। कड़कनाथ को गरीब आदिवासी पालते हैं और खुद भी खाने में उपयोग करते हैं। यदि आईफा में फिल्मी सितारों को इसे परोसा जाएगा तो वे भी इसके बारे में जानेंगे और इसकी अच्छी खासी मार्केटिंग होगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। हाँ।